नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। आज कश्मीरी पंडित जो कम्युनिटी है वो आज ब्लैक डे के रूप में कहीं ना कहीं इसको मना रही है। 13 जुलाई आज का दिन, आखिरकार क्यों इसको ब्लैक डे मनाया जा रहा? देखिए, ये बहुत पुरानी बात है, जब कहीं ना कहीं कश्मीर से कश्मीरियों को विलीन कर दिया गया था, यानी कि उनको वहां से निकाल दिया गया था, लूटपाट हुई थी। आखिरकार कौन लोग थे वो, क्यों ये आज पीसफुली यहाँ पर गवर्नर हाउस के बाहर यहाँ पर धरना कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, आखिरकार जानने की कोशिश करूँगा क्या कारण था, वो बताएं आप। देखिए गुलशन जी, 13 जुलाई 1931 जो डेट है, ये हिस्ट्री का एक ब्लैक डेट है। ब्लैक डेट स्पेशली ब्लैक डेट विद ब्लैक डे, क्योंकि इस दिन कश्मीरी पंडित हिंदू जो वहाँ पे बिजनेस एस्टेब्लिश था, उनको लूट मार करके उनकी इज्जत को लूटा गया, और जो बकाया लोग थे वो इसको बड़ा बड़ा दिन के रूप में मनाते हैं। मगर हम ऑल इंडिया कश्मीरी पंडित, ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस ने आज एक प्रोटेस्ट रखा था गवर्नर हाउस के सामने, कि हम गवर्नमेंट को याद दिलाए कि हमारे साथ ये ज्यादतियाँ 1931 से चल रही है, आज तक इसका अंत नहीं हुए। यही अपील है हमारे, जो हमारे वहाँ पे मंदिर है, जो लैंड एनक्रोच्ड है, उसको फ्री किया जाए और कश्मीरी पंडित को एज इट इज रिहैबिलिटेट किया जाए। नहीं, आपको लगता है कि मंदिर कहीं ना कहीं जो वहाँ पर सुरक्षित है, क्योंकि कल दो मंदिरों का एक फैसला है, आपसी एक फैसला है। बिल्कुल, अगर आपसी फैसला आ सकता तो बाकी मंदिरों के लिए भी फैसला आ सकता। वही जो रूलिंग कल निकली हाई कोर्ट की, हम कहते हैं वो लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया जाए गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की डायरेक्शन को, कोर्ट की डायरेक्शन को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। हम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एज वेल एज होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से और एलजी महोदय से ये अपील करते हैं कि कश्मीर की जो डिस्ट्रेस सेल है उसको रिवाइव किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। मैम, आप क्या कहेंगे यहाँ पर? हम भी तो ये 13 जुलाई 1931 से ये डे मना रहे हैं, ये ब्लैक डे है, इस पे बहुत घर मतलब खाली हो गए हैं, मार दिया गया हिंदुओं को, चाहे वो कश्मीरी पंडित है चाहे वो बाहर से है, क्योंकि बाहर से वो बिजनेसमैन वाले थे उधर कश्मीर में, तो उनको मार दिया गया, लूट मार हो गई, बहनों और माताओं पे बहुत अत्याचार हो गया उनका, मतलब ऐसा क्या बोल सकते हैं हम कि कितना, हाँ हम वो बता नहीं पाएंगे कि माताओं के साथ, हमारी बहनों के साथ क्या हो गया। तो हम यही अपील कर रहे हैं, हम आज आसक पीसी उनके बैनर के नीचे, हम बैनर के आगे हम यही बात कहना चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो जाए, क्योंकि प्रशासन तक हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसा हम विश्वास रखते हैं कि शायद उन तक बात पहुंचेगी, और कश्मीरी में इसको बोलते हैं कि बट लूट, बट हो गया कश्मीरी पंडित और लूट हो गया लूट मार बट लूट। तो हम मीडिया वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हर समय, जैसे आप हैं और भी भाई लोग आए थे या बहनें भी आए थे, कि आपके माध्यम से हमारी बात आगे तक पहुंच जाती है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप यहाँ है, आप एक कम्युनिटी के लिए इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, लेकिन मैम ने एक चीज़ बताई बट लूट, इसका इस शब्द छोटा है लेकिन अगर विख्यान किया जाए तो बहुत बड़ा है, क्योंकि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के साथ ही लूटपाट जो थी उस वक्त हुई थी, आज तक क्या हो रहा है? ये जो मेरी बहन ने बोला बट लूट, बट मतलब पंडित, उस दिन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर एक ऐसा अटैक हुआ था जिसमें डोगरे थे, जिसमें कश्मीरी पंडित थे, जो उनका मतलब वहाँ पे जो बिजनेस क्लास थे, हाँ जो वहाँ पे बिजनेस क्लास स्टेबल था, उस पर लूट मार हुई थी उस दिन। और उस दिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी जो आज की डेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज की डेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस कन्वर्ट हो गई है। इन्होंने उस दिन वहाँ से कश्मीरी पंडितों को निकालने के लिए जो बीज बोया था, वो बीज उन्होंने 1990 में काटा, उस बीज का फल 1990 में तैयार हो गया, और 1990 में जो मास जिनोसाइड हुआ था कश्मीरी पंडित का, उसी का रिजल्ट था। नंबर वन। नंबर टू, आज हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है कि भाई वो हम उसको ब्लैक डे मनाएंगे, हम उसको ब्लैक डे मनाते हैं। क्यों ब्लैक डे मनाते हैं? क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी थी, कुछ हैंड, हमारी बहुत ज़्यादा तादाद नहीं थी,
हमारी ज़्यादा कश्मीरी पंडितों की तादाद वहाँ पर ज़्यादा नहीं थी, बट कश्मीरी पंडित वहाँ पर वेल सेटल्ड थे कंपेरिजन टू अदर कम्युनिटीज। तो हमारे पास ज़मीनें थी, हमारे पास जायदादें थी, क्योंकि हम जो है हम 5000 साल से कश्मीर में रह रहे हैं। वो ये लोग आए हैं ईरान से, इराक से, कहाँ कहाँ से आए हैं, इनको अभी 100-150 साल हो गए कश्मीर में, लेकिन कश्मीरी पंडित जो 5000 साल से कश्मीर में रह रहा था, आज उसी कश्मीरी पंडित को विस्थापन का दर्द झुमों में झेलना पड़ रहा है। 35 साल हो गए, आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने कश्मीरी पंडित की कोई सुध नहीं ली। 35 साल में मेरा वजूद कहाँ है, मेरा प्रेजेंट कहाँ है, मेरा फ्यूचर कहाँ है? मेरा वजूद तो इन्होंने खा गए, प्रेजेंट मेरा ये धूप, फ्यूचर मेरा कहाँ है? मैं आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अभी की सरकार भी तो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो मोदी जी 83 करोड़ जो है वो कश्मीर में देते हैं, वोट जम्मू के लोग देते हैं और फायदा कश्मीर को देते हैं, और वन टाइम सेटलमेंट की बात की जाए तो कश्मीरी पंडितों की नहीं हो रही। मैं यही बोल रहा हूँ, कश्मीर इज एन डिस्प्यूटेड स्टेट। क्यों? मैं कश्मीर का एक स्टेक होल्डर हूँ, मेरे साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात क्यों नहीं कर रही है? वो फॉर्मूला मेरे साथ क्यों नहीं बात कर रहा है? भाई आप एक स्टेक होल्डर हो, आपकी क्या डिमांड है? आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कश्मीरी पंडित की बात नहीं की। मैं भी एक स्टेक होल्डर हूँ, मेरी वहाँ जमीन है, मेरी वहाँ जायदाद है, मेरे साथ क्यों नहीं बात कर रहे हैं ये? मेरे साथ क्यों नहीं? अगर फारूक अब्दुल्ला हिमायत कर रहा है कि भाई आप पाकिस्तान से बात करो, क्या उस फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडित से बात की? उसने कश्मीरी पंडित से बात की, भाई तेरा क्या दर्द है? एंड ही इज द पर्सन जिसकी वजह से कश्मीरी पंडित को निकाला गया। क्यों? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इज नेशनल कॉन्फ्रेंस। बहरहाल देख लीजिए, कहीं ना कहीं पार्टी कोई भी बनी हो, लेकिन आज के दिन कहीं ना कहीं ये ब्लैक डे मना रहे थे, और ब्लैक डे इसलिए मना रहे कि जो कुछ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के साथ हुआ है उसको कहीं ना कहीं आज जिताने की जो कोशिश है, सरकार को बताने की जो कोशिश है, वो यहाँ पर की जा रही है। बहरहाल ये लाइव दृश्य आ रहा, आपको अच्छा लग रहा हो, अपनी महत्वपूर्ण राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।